तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम जानेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। क्या है ये, क्यों लाया गया इसे, हमारे लिए क्या ये फायदेमंद है या नुकसान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इन बकवास आवाज को पहली बार सुन रहे हैं वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। तो बिना किसी बक गवाए चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी के फुल फॉर्म तो आप जानते ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स मतलब हम इंडिया के रहने वाले लोग सरकार को कुछ पैसे देते हैं कि भाई तुम कुछ पैसे वैसे रख लो ताकि देश का विकास विकास हो जाए। यानी देश का विकास के लिए सरकार को हम कुछ पैसे देते हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं। एकदम उसी प्रकार के यह है जीएसटी। अब आप बोलेंगे इसमें नई क्या बात है, टैक्स तो हम पहले भी देते थे। तो भाई देखो, पहले और अभी के टैक्स के फर्क। तो पहले आप एक सामान के खरीदने के लिए लगभग 17 प्रकार की टैक्स देते थे, मगर अब आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, वो है जीएसटी। थोड़ा आसान कर देते हैं। सोचिए आप भाईजन की तरह बैचलर है, मतलब आपके अभी तक शादी नहीं हुए, तो दोस्तों के साथ मस्ती बस्ती करके आप रात के 2 बजे तक घर में आ चुके हैं। तो घर में आकर आपको रैपिड फायर क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। पहले आपके आपके बड़े बहन या बड़े भैया के सामना करना पड़ता है, उसके बाद आते हैं मम्मी की बारी, और लास्ट में आपको अपने पापा को बताना पड़ता है कि इतने रात भर आप कहाँ थे। और शादी हो जाने के बाद आपको सिर्फ अपने वाइफ को बताना पड़ता है कि इतने रात तक आप किसके साथ थे और कहाँ थे। मतलब सभी को जवाब देने की बजाय सिर्फ एक को ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये है जीएसटी। तो कई प्रकार टैक्सों को मिला के इनको जीएसटी बनाया दिया गया है। दुकान पर आप एक वस्तु खरीदने जाते हैं तो उनके ऊपर पहले से ही विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगे हुए होते हैं। लगभग 17 प्रकार की टैक्स आपको देना पड़ता है, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट 1 जुलाई से आपको सिर्फ एक ही टैक्स देने होंगे, वो है जीएसटी। तो कैसे लगेगा ये टैक्स? तो भाई देखो, जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%, और कुछ कैटेगरी के चीजों पर 0%, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। राइस, दालें, मिल्क, फ्रूट्स, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर आप इंडिया गेट जैसे राइस को खरीदते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। लो कर लो बात, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट, राइस के ऊपर तब तक कोई भी टैक्स नहीं है जब तक ये नॉन ब्रांडेड है, मतलब खुला हुआ है। अगर ब्रांडेड हो गया है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या ये जीएसटी हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, जीएसटी से टैक्स चोरी वगैरह कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा मगर चोरी वगैरह कम हो जाएगा, और हर स्टेट में आपके वस्तु एक ही रेट पे मिलेगी। तो जैसे कि अगर आप अपने बाइक में पेट्रोल भरने नोएडा से दिल्ली तक जाते थे, क्योंकि दिल्ली में नोएडा से पेट्रोल ज्यादा सस्ते मिलता था, मगर 1 जुलाई से आप नोएडा में भी दिल्ली के रेट में ही पेट्रोल खरीद पाएंगे, हालांकि पेट्रोल में कोई भी जीएसटी नहीं है। तो भाई देखो, कुछ कुछ वस्तु सस्ते हुए है और कुछ कुछ महंगे। जो फूड टाइप के स्लैब बनाया गया है उनके अनुसार कुछ कुछ वस्तु सस्ते होंगे और कुछ कुछ महंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ पर एसी वगैरह नहीं है तो आपको खाना सस्ता पड़ेगा, अगर आप एसी वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। यदि आप इकोनॉमी क्लास में गोवा जाते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर आप बिजनेस क्लास में जाते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो चलिए आप मोबाइल फोन को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में रहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पहले 5% वैट लगता था, मगर अब 12% टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर मोबाइल वगैरह महंगे होंगे। मगर दोस्तों, अगर आप दिल्ली, वेस्ट बंगाल या बाकी और राज्यों में रहते हैं जहाँ पर पहले से ही 14% टैक्स है, वहाँ पर आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2% आपको सस्ता पड़ेगा। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये क्या बीमारी है भाई? मान लो कोई उत्पाद वेस्ट बंगाल में बनाया गया है और वेस्ट बंगाल में ही बेचा जा रहा है तो आपको उस पर 2 जीएसटी लागू होंगे, एचजीएसटी एंड सीजीएसटी। मतलब एक मोबाइल कलकत्ता में बनाया गया है और कलकत्ता में ही बेचा जा रहा है तो आपको लगेगा 12%, मगर 2 नाम से एचजीएसटी एंड सीजीएसटी, 2 भाई आपस में बांट लेंगे, एक राज्य एक केंद्र। लेकिन कोई मोबाइल दिल्ली में बनाया गया है
और कलकत्ता में भेजा गया है तो आपको यहाँ पर भी 12% देना पड़ेगा, मगर वो देना होगा IGST। लगेगा एक ही, इसमें कोई संदेह नहीं। GST 1 जुलाई से लागू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इन GST के बारे में, अगर आपके मन में कोई सवाल वगैरह आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बात इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।